हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी की एक पूर्व मंत्री ने दे दिया है इस्तीफा, और उनका मानना है, और उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी पे। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी पे ये आरोप लगाया है कि इस बार बीजेपी में महिलाओं का सीट बहुत कम है। जैसा कि नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अपने पार्टी में औरतों को और बेटियों को ज्यादा लाना चाह रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि उन्होंने इस चुनाव में महिलाओं को कम सीट दिया है? इसी वजह से हम बता दें कि रेणु कुशवाहा, जी हाँ, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने दिया है इस्तीफा। रेणु कुशवाहा ने इंजाम लगाया है बीजेपी पे कि उन्हों क्योंकि महिलाओं को ज्यादा आरक्षण नहीं मिलने के वजह से, महिलाओं को ज्यादा सीट ना मिलने के वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको ये भी हम बता दें कि 2014 में भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बहुत मनाया, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। आइए हम देखते हैं एक वीडियो के दौरान जहां उन्होंने न्यूज बिहार से बात की है, तो क्या कह रही हैं रेणु कुशवाहा अपने इस वीडियो में। आगे आ जाइए। हाँ, और पीछे करो, के लेकर के आपके सामने आई हूं अपनी बात कहने के लिए, और हमारे साथ आए हुए हैं। मैं इधर से परिचय कराती हूँ। नरेंद्र कुशवाहा जी हैं, सत्ता पार्टी से ही हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सत्ता पार्टी के फाउंडर में से एक है, अभी भारतीय जनता पार्टी। ये पूनम देवी जी हैं, 5-6 बार विधायक रह चुकी हूँ मसौरी से, और अभी दीघा में थी, ये भी हमारे साथ आई है, और विजय कुमार सिंह कुशवाहा जी हैं जो आप लोग जानते हैं, मधेपुरा से 14वीं लोकसभा में चुनाव भी लड़े थे। हमारे साथ उत्तम मेहता जी हैं, ये उत्तम मेहता जी अध्यक्ष हैं कोयरी हितकारिणी वंचित हाट समिति मुशल्लापुर पटना के, दीपक कुमार मेहता जी हैं अध्यक्ष हैं ये दानापुर हाट समिति के, कुशवाहा समिति के, और विजय माथुर हम मुशल्लापुर हाट समिति के, हाँ विजय माथुर, और सारे साथी हैं जो हमारी महिला साथी हैं, सब लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं आज आई हूँ कि हमने आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं सांसद भी रह चुकी हूँ, मंत्री भी थी, और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर कि सबका साथ सबका विकास होगा, हमने मंत्री पद छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया कि देश में एक अच्छी सरकार बने, अच्छा प्रधानमंत्री जी बने, और सबका साथ के साथ सबका विकास भी। लेकिन उनका साथ तो मिला सबको, लेकिन सबका विकास नहीं हो पाया, और आज लोकसभा चुनाव में जो पार्टी के अंदर टिकट वितरण हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा समुदाय जो कुशवाहा समाज है और अल्पसंख्यक समाज है, उसको ऐसे जो समाज को फांसी पर डाल दिया गया, और इस समाज के एक भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। नहीं, मैं सारा नहीं समझती, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ थी, तो हम भारतीय जनता पार्टी की बात, आपने हमने ये कहा ना कि एक ही जो इतना बड़ा 10-12% कुशवाहा जाति का बिहार में उसका आबादी है, इतना बड़ा समाज अल्पसंख्यक समाज का आबादी है, लेकिन आप जब सबको काट के चले तो सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? और अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे रास्ते हैं, अब हमारा वहाँ मन ही नहीं रुचेगा, केवल कुर्सी पाना ही नहीं होता है, कुर्सी के साथ साथ सभी वर्ग को लोग
और मैं ऐसे लोगों को जमा करने जा रही हूँ जो सभी क्लास के लोग हैं और हाथिए पढ़ते हैं। किसी पार्टी में शामिल होना है क्या? पूनम जी से भी कुछ पूछ लिया था पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ अभिनंदन है। देखिए बहुत स्पष्ट है कि आज जो आंतरिक लोकतंत्र है सभी दलों में समाप्त हो गया है। छोटे दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए हैं और बड़े दल जितने हैं वो कॉरपोरेट बन गए, और इन दलों में उन्हीं को टिकट मिलता है जो गणेश परिक्रमा करते हैं या पैसा देते हैं। आज खुलेआम है कि बहुत दलों में टिकट बट रहा है, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी बनाने का काम किया, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसी बड़ी तादाद है, एक ऐसा विकल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कुछ लोग 15 साल से सत्ता में बैठे हुए, कुछ लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर हवा में जीत के जाना चाहते हैं, उनको कार्यकर्ताओं से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो महागठबंधन और जो NDA जो दो धुरी की लड़ाई चल रही है, जिसमें सब लोग सभी का विचार आज दरकिनार हो गया है, केवल जो फर्जी लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो जनहित के मुद्दे हैं वो गौण हो गए हैं, और कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो दरकिनार कर दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों को हम जो बलवंत करके एक विकल्प बनाएंगे और उन लोगों से सलाह मशवरा करके हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों को इसकी सूचना देंगे। हो सकता है इसमें हम लोग कोई मोर्चा बनावे या आगे पार्टी बनावे, और अभी जो इस चुनाव में जो हमारी रणनीति होगी, तो ये चुनाव में जो हमारी रणनीति होगी, हम निश्चित तौर पे संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम वोट नहीं देंगे, हम उसमें से पिक एंड चूज करेंगे, और जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनको मिल बैठ के हम लोग तय करेंगे, और वहाँ पे हम लोग कंप्लेन करेंगे, अभियान करेंगे, वो चाहे गठबंधन के हो या NDA के हो। अगर उसमें हम लोगों को मापदंड में खड़े उतरते हैं तो निश्चित तौर पहुँचेंगे कैसे, और लोकसभा अगर नहीं पहुँचते हैं तो वो अपने समाज के हित की बात को वहाँ कैसे रखेंगे। मैं महसूस किया कि पार्टी में जो है पार्टी की आंतरिक आत्मा समाप्त हो गई, और इसके लिए मैं आज भारतीय अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी पद से इस्तीफा देती हूँ, और आगे की रणनीति हम अपने साथी सहित बैठकर तय करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसके बाद फिर जो हम आगे निर्णय लेंगे आप लोगों को बहुत जल्दी फिर बुला करके सूचित करेंगे आगे का हमारा क्या। मैम कभी आपने बड़े नेताओं के बारे में बात की रणनीति? देखिए बड़े नेताओं से मिलने का मौका ही नहीं मिलता, आप टाइम लीजिए, दिल्ली जाके लीजिए, पटना जाके एक बार दो बार, यहाँ हर जगह मैंने इस बार महसूस किया कि जो भी लोग डिवोटेड हैं और क्या समर्पित हैं उनके साथ जनप्रतिनिधियों का व्यवहार होता है। और मैं तो उस समय सांसद थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय केंद्र में प्रधानमंत्री जी थे, कई लोग तो मेरे बाद सांसद बने, लेकिन फिर भी टाइम बड़े नेता नहीं देते, तो आप जब टाइम नहीं देंगे तो आप कैसे मन की बात कहेंगे। सब लोग हड़बड़ी में रहते हैं, उनको लगता है कि हम जो कमेटी के सुनाना है सुना। मैम लेकिन चुनाव के समय आप इस्तीफा दे रही हैं, क्यों इस समय क्यों, इसके पहले क्यों? इसके इसीलिए न कहे कि इस समय इसीलिए दे रहे हैं कि अभी ही तो उपेक्षा हुई है ना, जब उपेक्षा होगी तभी तो देंगे, इतना दिन तो था कि चलो भाई सबका साथ सबका विकास चल रहा है। लेकिन आप समझे जब एक आदमी को भी आप नहीं मौका देंगे संसद पार्लियामेंट जाने का, तो वो अपने समाज की हित अनहित की बात कैसे रखेंगे। तो इसीलिए हम इस समाज के हित को देखते हुए मुझे लगा कि अब यहाँ पे संभव नहीं है हित की बात उठा, और जो भी यहाँ कार्यकर्ता है कार्यकर्ता ही रह जाएंगे। आज इस तरह इस बार टिकट का वितरण हुआ उसमें ऐसा लगता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो कभी टिकट उनको नहीं मिलेगा, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे जीते हैं जो जीने। मैडम किसी पार्टी में शामिल होना है? मैडम किसी पार्टी में शामिल होना है? जो लोग आए हैं बीजेपी में जी, क्या लगता है बीजेपी वैसे लोगों को टिकट देती है?
मतलब तो हम देख रहे हैं हम हमारा समाज सहित हम लोगों को नहीं मिला है, हम लोग तो हर चीज का योगदान रखते हैं। तो मैम आगे की रणनीति क्या हुआ? आगे की रणनीति हम बहुत जल्द बैठ के साथियों के, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो क्या कहें, बहुत दलों के हैं, विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न जातियों के, कोई ऐसा नहीं है, सभी दलों के हमारे हम उनके साथ हमारी बैठक एक सप्ताह के अंदर होने वाली है। और हम बैठक जो बताए कि जो बहुत सारे साथीगण जो है उपेक्षित हैं, बहुत दलों की, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के, ऐसा नहीं है कोई कुशवाहा समाज ही के, तो वो सब के साथ हम एक सप्ताह के अंदर बैठक कर रहे हैं और बैठक करके जो भी निर्णय होगा जिस स्तर पर निर्णय होगा। लोक सभा चुनाव नहीं लड़ूंगी मैं, आगे की घर वापसी हो सकती है क्या? पुराने घर जी नहीं, नहीं घर वापसी नहीं। आप भाजपा से भाजपा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने अपनी बात रखी, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं अब जो भी काम करूंगी जनहित में। ऐसा है क्या नीतीश कुमार की पार्टी में आप बरसों से थे और अभी गठबंधन है दोनों में, एनडीए की सरकार है, ऐसे में नीतीश कुमार के इशारे पर आपका टिकट काटा गया होगा ऐसा लगता है? देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम क्यों किसी की बात बोले, हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उनसे हम उम्मीद करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में रेणु कुशवाहा ने क्या कहा और उनका ये मानना है कि आगे वो अपनी पार्टी के साथ मिलकर बात करेगी, इस बारे में चर्चा करेगी कि आगे उनको क्या फैसला लेना है। बने रहिए न्यूज़ बिहार के साथ और हम आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।